नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पप्पू स्पोर्ट्स क्लब में स्वागत है। बीटीसी एएनएम 10709 पोस्ट के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, जो आज के डेट में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, बीटीसी आयोग की तरफ से बीटीसी एएनएम 10709 पोस्ट के रिगार्डिंग जो भी अपडेट निकल के आई है, इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बात करने वाले हैं। इसलिए यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो बीटीसी एएनएम 10709 पोस्ट का फॉर्म भरे हैं और चाहते हैं यह वैकेंसी काउंसलिंग के आधार पर क्लियर हो, तो बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही साथ यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो स्वास्थ्य विभाग में न्यू वैकेंसी आने का इंतजार कर रहे, जैसे फार्मासिस्ट, ओटी, ईजी, सीएक्सआई टेक्नीशियन, एनएम, जेएनएम, पैरामेडिकल, ड्रेसर के न्यू वैकेंसी आने का इंतजार कर रहे, तो बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो बने रहिए, चलिए बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं। सरकार जो एसएलपी फाइल की है तो कब इसका सुनवाई है, सुनवाई डेट कब है, क्या एसएलपी नंबर मिला है या नहीं मिला, और दूसरी बात अर्चना दी हम लोग के साथ केस लड़ेगी या क्वालिफाइड स्टूडेंट के साथ केस लड़ेगी, सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बताने वाले हैं। तो चलिए बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी इस वीडियो में बता रहे हैं। टॉपिक वाइज आप लोग वीडियो में बने रहिए। दोस्तों पहले ही आपको बता दिए थे सरकार एसएलपी फाइल करने जा रही है और हर चीज रेडी हो गया, लगभग मंडे को आपको एसएलपी नंबर भी मिल जाएगा, मंडे से लेकर ट्यूजडे तक आपको एसएलपी नंबर भी मिल जाएगा, क्योंकि सरकार पूरे एक्शन मोड में और सरकार चाह रही है जो एक सप्ताह के अंदर हम हेयरिंग करवा लें और हम लोग को जो डबल बेंच में जो मिला है जजमेंट इस पर स्टे लगवा लें। और स्टे का मतलब क्या होता है सुन लीजिए, क्योंकि नेट में हम लोग पूछ लेते सर स्टे क्या होता है, स्टे मतलब हुआ जो केस चलता रहेगा और इधर जो है सरकार ज्वाइनिंग करवा लेगी, जो क्वालिफाइड स्टूडेंट है उसको ज्वाइनिंग करवा लेगी, समझे कि नहीं। स्टे का मतलब समझ लीजिए जो केस चलता रहेगा निरंतर और सरकार इधर ज्वाइनिंग करवा ले, जैसे डबल मैच में जो है पीके साई सर चाह रहे थे जो स्टे ले लें, समझे कि नहीं, और स्टे नहीं मिला तो अंतिम राहत तक पीके साई सर पहुंचे, वैसे ही अभी सरकार चाह रही है जो सुप्रीम कोर्ट जाके फर्स्ट हेयरिंग में हम स्टे ले लें और इधर हम क्वालिफाइड स्टूडेंट को ज्वाइनिंग करवा ले और केस चलता रहेगा सुप्रीम कोर्ट में, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए सरकार इतना जो है परेशान है और इतना पगलाया हुआ है, समझे कि नहीं। तो इसलिए आप लोग को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, परेशान नहीं होना, हम लोग पूरी मजबूती के साथ केस लड़ेंगे और स्टेट हर हाल में नहीं लेने देंगे, जानबूझ के भी सरकार चाह रहे हैं हम स्टे ले लें और संभव नहीं है हम स्टे लेने देंगे। दूसरी बात है जो अर्चना जी हम लोग के साथ केस लड़ेगी या क्वालिफाइड स्टूडेंट के साथ, तो दोस्तों क्लियर कर समझ लीजिए अर्चना जी हम लोग के साथ केस नहीं लड़ेगी, हम लोग साथ अर्चना जी नहीं है, पूरे बिहार के एनएम समझ लीजिए, हमारी 35,000 एनएम बहन पूरे समझ लीजिए, क्योंकि ग्रुप में भी नाइट में हम लोग मैसेज भेज दिए हैं, हमारी टीम के द्वारा मैसेज किया गया, आप लोग देखे भी हैं, अर्चना जी इस बार हम लोग के साथ केस नहीं लड़ रही है। अब हम नहीं कर सकते हैं जो क्वालिफाइड स्टूडेंट के साथ केस लड़ेगी या खुद केस लड़ेगी, हम नहीं कर सकते, हम लोग पहले बता दिए सुरजीत सर के, सुरजीत सर लीडर है और उन्हीं के देख रेख में हम लोग केस लड़ेंगे और 100% हम लोग केस जीत के दिखा देंगे। आप लोग घबराने की आवश्यकता नहीं है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, सुरजीत सर लीडर रहेंगे, ठीक है, सुरजीत सर, पंकज सर, उसके बाद बीना दी, पिंकी दी, अनिता दी, ठीक है, ये हम लोग की टीम है और लीडर रहेंगे सुरजीत सर, जैसे सिंगल मैच में देखे, डबल मैच में देखे और सुप्रीम कोर्ट में भी आप देखिएगा, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आज अर्चना दी लगभग मीटिंग रखी है तो उसमें अर्चना जी क्या डिसीजन लेती है वो भी अगर अपडेट आएगा तो हम अलग से आपको बता देंगे। अब सोचिए खुद समझ लीजिए जो सुरजीत सर के दम पे हम लोग के यहाँ तक पहुंचे और के जीते सिंगल मैच में डबल मैच में, और बताइए, और अर्चना जी तो शुरुआत से ही चाह रही थी हम लोग हार जाए, शुरुआत से चाह रही थी जो हम लोग हार जाए, क्योंकि उन लोग क्वालिफाइड है, वो लोग चाह रही है जो हम लोग हार जाएंगे और अभी ये भी चाह रही है सुप्रीम कोर्ट जाके सरकार स्टे ले ले और हम लोग को ज्वाइनिंग करवा ले, केस अपना इन लोग लड़ते रहे, ये देखिए मनसा अर्चना जी का, सोचिए 32,000 एन एम बार सभी संविदा एन एम बार अर्चना जी को मानते थे, आयरन लेडीज बोलते थे, हम लोग भी बोलते हैं अभी भी, बताइए बीच में अभी क्या किया, समझे कि नहीं। तो अपना स्वार्थ के कारण बताइए 32,000 एन एम वन के साथ धोखा दे रही है अर्चना जी, अपना स्वार्थ के कारण, क्योंकि ये अर्चना जी क्वालिफाइड है, अर्चना जी उषा जी क्वालिफाइड है, तो देखिए इन लोग अपने स्वार्थ के कारण 32,000 एन एम वन के आंख में झोंक, ठीक है, धूल झोंक रही है, ये सचेत आपको रहना है,
आप जो है अर्चना जी के साथ है या हम लोग के साथ है, क्योंकि आप देखिए सुरजी सर के गाइडलाइन में हम लोग यहाँ तक पहुंचे और आगे भी सुप्रीम कोर्ट से अभी भी लिख लीजिए हम लोग जीत लेंगे, क्योंकि हम लोग गलत नहीं, हम लोग नियमावली की लड़ाई लड़ रहे हैं, समझे कि नहीं। तो इसीलिए सभी स्टूडेंट को हम आपको कह रहे हैं, 32,000 बहन को कह रहे हैं, जो कहीं पे आपको पेमेंट नहीं करना है, कोई भी ग्रुप में पेमेंट नहीं करना है, जब तक पप्पू सर बोलते नहीं है तब तक आपको पेमेंट नहीं करना, समझे कि नहीं। और आज 12 बजे पंकज सर, सुरजीत सर, पिंकी दी, बीना दी, अनिता दी, सभी को आज लाइव में जोड़ने वाले हैं, सभी लीडर को लाइव में जोड़ने वाले और आप लोग से रूबरू करवाने वाले, खुद आप लोग सुन लेंगे, समझे कि नहीं, सभी लोग को लाइव में जोड़ने वाले। इसलिए सभी स्टूडेंट आज 12 बजे लाइव आना नहीं भूलेंगे, काम धंधा जो भी आप करेंगे उससे पहले कर लीजिए, और खाना पीना खा के मोबाइल चार्ज उज करके आप लोग रेडी रहेंगे 12 बजे, क्योंकि आज 12 बजे सभी लीडर को जोड़ेंगे जो हम लोग को यहाँ तक पहुँचाए और आगे भी हम लोग को जीत दिलवाएंगे। भरोसा रखिए अपने भाई पर, क्योंकि ये भाई जो अभी तक बोले हैं वो करके दिखाया, ये भाई अभी तक जो बोले हैं वो करके दिखाया और आगे भी वादा करते हैं, ये भाई जो बोलेंगे वो करके दिखाएं, इसलिए भाई पे भरोसा बनाए रखें। आपके भाई के द्वारा जो भी बोला जा रहा है और आपके भाई जब भी कहेंगे पेमेंट करने के लिए, जो भी पेमेंट कहेंगे करने के लिए और जहां कहेंगे वहीं पर आपको पेमेंट करना, अदरवाइज कहीं आपको पेमेंट नहीं करना और आपको भटकना नहीं, क्योंकि आप शुरुआत में ही देखें 12 फरवरी को ही आप देख लिए थे, जब रिजल्ट आया तो उसी दिन देख लिए थे अर्चना जी जो है केस से निकल रही थी, ये पप्पू भाई के दम है पर ही आज यहाँ तक पहुँचे। बीच में देखिए डबल मैच में भी देखिए जो लोग जो है लीडर को तोड़ना चाह रहे थे, टीम को तोड़ना चाह रहे थे हर चीज, और ये पप्पू भाई के दम पे आज आप लोग यहाँ तक पहुँचे और आगे भी हम लोग 100% आपको जीत दिलवाएंगे। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होना, ये पप्पू भाई आपके साथ है, हमारी पूरी टीम आपके साथ है और 100% और अंतिम, ये अंतिम लड़ाई है, लास्ट लड़ाई है, अंतिम लड़ाई है और वहाँ से भी हम लोग जीत दर्ज करेंगे। इसलिए 100% आप लोग श्योर रहिए, थोड़ा भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ये पप्पू भाई आपके साथ है, हमारी पूरी टीम आपके साथ है और 12 बजे लाइव आना नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर शेयर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जैसे ही 12 बजे लाइव आएंगे तो आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, सभी को रूबरू करवाइए जो अर्चना जी क्या से क्या हो गई, क्या थी और क्या हो गई, सबको रूबरू करवाइए और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच आप लोग शेयर कीजिए। थैंक यू।